नमस्कार दोस्तों, ओम शांति ओम फिल्म का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि किसी चीज़ को आप अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे मिलाने में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने उम्र की सीमाओं का बिल्कुल भी जायजा ना लेते हुए भारत के सर्वश्रेष्ठ एग्जाम सिविल सर्विस परीक्षा में पहले अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन क्लास में। आज हम बात करेंगे सफीन हसन, यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर के बारे में। दोस्तों, सफीन हसन की उम्र महज 24 साल है और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में भारत की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को क्वालिफाई कर लिया। दोस्तों, बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे सफीन हसन उन मुकामों को हासिल करके ये बता दिया कि कोई भी कठिनाई आपको आपके सफलता से नहीं रोक सकती अगर आपके जज्बात और आपकी लगन पराकाष्ठा पर हो। दोस्तों, गुजरात में जन्मे सफीन वैसे बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। बाद में उन्होंने अपनी बेसिक पढ़ाई 12वीं कक्षा तक गुजरात के एक सरकारी विद्यालय में किया। उसके बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, जिसे सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर उन्होंने दाखिला लिया। उसके बाद वहाँ इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन में उन्होंने बीटेक की डिग्री ली। दोस्तों, कहते हैं कि किसी चीज़ को अगर आप ध्येय की तरह मान लेते हैं तो उसकी तैयारी दिमाग में बहुत पहले से ही चल रही होती है। ऐसी ही कहानी है सफीन हसन की। इन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में दाखिला लेने के लिए खुद को लगातार 4 साल तक ड्यूरिंग हिज बीटेक इन्होंने मजबूत बनाया कि आगे की तैयारी कैसी होनी चाहिए कि हम 1 साल के भीतर ही सफल हो जाएं। दोस्तों, इस दौरान इन्होंने एनजीओ ज्वाइन किया और ऐसे छात्र जो पढ़ने में असमर्थ थे फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, वहां पर जाकर इन्होंने शिक्षा प्रदान की और अपने आप को इस काबिल बनाया कि आज इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईपीएस की डिग्री ले ली। दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं थी, लेकिन जब आपके जज्बात और आपकी लगन पराकाष्ठा पर हो तो हर वो मुकाम आपके सामने झुकने को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही क्रिटिकली इनका दौर रहा। फाइनेंशियली क्राइसिस के कारण इनके पास कोचिंग को पैसे नहीं थे। उसके बाद इनके ही गांव के एक व्यक्ति ने सफीन की मदद की और सफीन ने दिल्ली के एक कोचिंग में दाखिला लिया। दोस्तों, कठिनाइयों से भरा इनका जीवन एक एग्जाम्पल के रूप में सभी एस्पायरेंट के लिए सामने आता है, जहां ये बताते हैं कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ये जीएस पेपर 3 का पेपर देने जा रहे थे और उसी दौरान इनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उससे हार ना मानते हुए ये अपनी परीक्षा देने जाते हैं और वो उसे क्वालिफाई कर लेते हैं। दोस्तों, कठिनाइयों का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू की पारी आती है और उस दौरान जब ये कोचिंग करने दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पे टॉन्सिलाइटिस अटैक के कारण इन्हें लगभग 15 दिन तक हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। दोस्तों, इंटरव्यू के लिए इन्हें केवल 1 हफ्ते का समय मिलता है और महज 1 हफ्ते में ये अपने आप को उस काबिल बनाते हैं कि इंटरव्यू में पूरे भारत भर में सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाले दूसरे व्यक्तियों में अपना नाम अंकित करवा लेते हैं। दोस्तों, आज के इस दौर में
जहां इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए लोगों को बहुत से साल लग जाते हैं, वहीं सफ़ीन ने यह साबित कर दिया कि आपके इरादे अगर फौलादी हों तो आप महज स्टार्टिंग एज में ही क्वालिफाई कर सकते हैं इस प्रतिष्ठित एग्ज़ाम को। दोस्तों, बहुत ही एक एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं युवाओं के लिए, और ये हमें भी समझाते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर डेडिकेटेड हैं, पैशनेट हैं, तो तमाम हर्डल्स, तमाम ऐसी चीज़ें जो आपके रास्ते में अवरोध बन रही हैं, वो नतमस्तक हो जाएंगी और आप अपने सफलता के मुकाम को हासिल कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इस वीडियो से मोटिवेट हुए होंगे और आप भी अपने जीवन के बनाए हुए लक्ष्यों के पथ पर अग्रसर रहेंगे और दुगनी रफ्तार से उसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।